पर तू भी करने नो आई कांट लिव विदाउट टीवी. मैं रोटी नहीं खानी, मैं भूखे एंड पति बहुत बुरी तरह एग्जॉस्ट हो चुके हैं सर. अब आपको लगता है कि ये सही ही निकलेगा टीवी? ये टंगा जो बड़े टीवी सर टंगा में क्या पड़ेगा, अभी वापस आना पड़ेगा. चलो दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे. अगर अच्छे नहीं है तो होपफुली आज का व्लॉग देख के अच्छे हो जाएंगे. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. सो आज है फ्राइडे. आज हम मैं और मेरे हस्बैंड का प्लान था कि बहुत ही रिलैक्सिंग दिन बनाएंगे. उसकी वजह से हम दोनों ने बालों की मालिश कर ली ऑयल की. सो मेरे चेहरे मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल है, उनके बालों में भी दिखेगा आपको बाद में. सो आज हमारा टीवी आज हमारे टीवी की डिलीवरी थी. ये दूसरी टाइम है कि हमने नया टीवी ख़रीदा है, तीसरी टाइम है. पहली बार उसमें कुछ फंक्शंस काम नहीं कर रहे थे तो हमें वो रिटर्न करना पड़ा. जब हमने रिटर्न कर दिया वो सेम टीवी किसी भी जगह पे अवेलेबल नहीं था. हमने हमारा टीवी कॉस्को से ख़रीदा था बाय द वे. सो बाद में उसका अपडेटेड नया मॉडल आया कुछ ही समय पहले. हमने ख़रीद लिया गैन से और डिलीवर करवा लिया. 20 दिन के बाद डिलीवरी आई और आज जब सुबह वो डिलीवरी लेके आए हम बहुत हैप्पी थे. एंड हमने ये टीवी को लगा लिया है एंड ये टीवी ब्रोक कर निकला. और जब हमने इसको लगाने के बाद वो स्क्रीन को उठाया तो ये स्क्रीन ब्रोकन है. डिलीवरी के समय ही ब्रोकन होगी होगी एक्चुअली. जब वो डिलीवरी लेके आए मैं अपने रूम में अपस्टेयर्स थी, कुछ एडिट कर रही थी. तो वो जो लड़के डिलीवर करने के लिए आए थे बहुत ज़्यादा केयर के साथ चीज़ें नहीं उठा रहे थे, बहुत ज़्यादा लाइक लाइटली ले रहे थे. फ्रेजाइल होता है टीवी, चटपट टूट जाता है. हम लोग तो इतना डेलिकेट लेते हैं. हम लोगों ने उसके पीछे वो स्टैंड लगाने के लिए यहाँ पे उसको रखा, गद्दे सराहने रख दिए कि कुछ हो ना जाए. पर जब हमने वहाँ से पर्दा उठाया तो ऐसा था. तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. एक तो है कि हम इस टीवी को लेके जाएं और चेंज कर लें. चेंज नहीं होगा, रिफ़ंड होगा और दोबारा से ख़रीदा जाएगा. आई थिंक हमें सेम प्राइस में मिल जाए क्योंकि जब हमने ख़रीदा था कोई ऑफ़र भी चल रहा था. और कॉस्को का ऐसा है कि जब आप रिफ़ंड करते हो आपको पूरी मनी आपके कार्ड में डाल देते हैं और आपको दोबारा से ख़रीदना पड़ता है. एक्सचेंज वाला काम नहीं है उनका. अगर एक्सचेंज हो तो अच्छा है, पता नहीं अब. पर ये सारे ओंटारियो में 4-5 जगह पे ही वो अवेलेबल है इस समय. सो हमारे नियर GTA में एक ही जगह पे अवेलेबल है और वो एक्चुअली लकीली हमारे बहुत पास वाला ही कॉस्को है बर्लिंगटन. सो अब हम वहाँ पे जा रहे हैं और ये सारा ताम झाम हमें समेटना पड़ेगा. पर हस्बैंड गाड़ी के लिए गए हैं और जब वो आएंगे तो मैं और वो दोनों पैक करेंगे हमारे टीवी को और लेके जाएंगे कॉस्को. ऑलरेडी 12 बज चुके हैं. हमारे टीवी की डिलीवरी 10 बजे आई थी. हमने आते ही उसको खोल के लगा लिया. 15 मिनट में हमें पता चल गया कि टीवी टूटा हुआ है. किसका मन करता है इतना बड़ा टीवी लाए और फिर पैक करके फिर लेके जाओ, फिर लेके आओ, फिर डिलीवरी की वेट करो. समटाइम्स ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि बेसिक सी चीज़ के लिए आपको हैसल करना पड़ता है. अब हमें दूसरी दफ़ा है कि हम हमारा टीवी लेके दोबारा जा रहे हैं. मज़ा नहीं आ रहा मुझे. पर या आज यही काम किया जाएगा और व्लॉग करने का प्लान था मेरा. सो व्लॉग भी करते हैं. सो आई एम रेडी नाउ. ओके दोस्तों, तो टीवी की डेड बॉडी पीछे पड़ी है और हम लोग जा रहे हैं उससे ठिकाने लगाने. एंड पति इज विद मी एंड पति ने एक्चुअली दिल तोड़ दिया वे होने. कह रहे कि मैं उन्हें टीवी लाना ही नहीं है. पर पता नहीं मुझे ये टीवी पसंद है. पता नहीं हम सेम टीवी खरीदेंगे या नहीं. रब भी चाहता है कि ऐसी ये टीवी ना लीजिए. कभी हमारे घर टूटा टीवी भेजता है, कभी अद्धे काम नहीं करता टीवी भेजता है. व्हाट यू से डैडी? मैं कहना छड़िए जेब च पैसे भाइए की करना है टीवी. मैं तो आप ही ये करनी है. पर तू ही करना नो आई कांट लिव विदाउट टीवी. मैं रोटी नहीं खानी, मैं भूखे गाइस मैं टीवी नहीं लेना चाहती थी पर पति ने रोटी खानी बंद कर दी थी. लोगों ने सीरियस ला देना. हस्बैंड ने 3 दिन हो गए गाइस रोटी नहीं खाती. नहीं टीवी नहीं तो 20 दिन हो गए. मर भले जमाने च नहीं टीवी दे 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 दे.
20 डेज हो गए कि हस्बैंड ने खाना नहीं खाया, तो मैनू मैं सोचा यार तोड़ो अपना व्रत, चलो ला देने टीवी। जब बच्चे टीवी देखते थे ना, जब बचपन में जब बच्चे होते हैं 5-6 साल के, जब मोगली वगैरह शक्तिमान, मैं तब भी किताबों में घुसा रहता था, टीवी तो मैं कभी देखा ही नहीं। झूठ तूफान दी हाथ मार देना तो। गाइस मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ पति टीवी कितना नहीं देखते थे। सो मेरे हस्बैंड के डैड थोड़े स्ट्रिक्ट थे टीवी को लेके कि टीवी मत देखो, तो गर्मी में जून जुलाई महीने में पक्खा बंद करके पसीनों पसीनी होके टीवी देखते थे ये। अगर ये पंखा चला लेते थे उधर डैडी आ जाए, और टीवी बंद करके पक्खा रुकता नहीं था, पकड़े जाते थे फिर कुट पड़ती थी। सो गर्मी जब पसीनों पसीने रह के टीवी देखते थे, या फिर अगर टीवी बंद किया पक्खा खड़ा करने के लिए डंडा लेकर रखते थे, पक्खा भी रोकते थे कि पता ना चले कि हमने टीवी देखा। इन्ने ही तो ही टीवी देखा, गर्मी झल लेंदे ही, पसीने झल लेंदे ही, पर टीवी ना भी सोच। ओके दोस्तों, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है ना, उसे टीवी का इतना ज़्यादा शौक है, स्पेशली मूवीज़ का, इन्नी मूवीज़ देखता ही ना विशाल, और वो बेचारा कहता कि मैं किन्निया मूवीज़ बिना आवाज़ के देखी हैं गवांडियाँ की विंडो पे खड़ा होके, कि कहता कि मैंने पता ही नहीं है मैं रियल से देखिया या उदो देखी नहीं, उसको डायलॉग नहीं सी पता होंदे, उसको डायलॉग नहीं पता होते थे, पर वो कहता पिक्चर देखी या पर एक किद्दा। फिर वो कह रहा मैंने कितनी फिल्में तो बिना आवाज के देख ली, क्योंकि गली में खड़ा होके किसी के घर के बाहर ऐसे देख उसके घर अपने भी टीवी होना आया, पर उसकी मम्मी घर में नहीं होती थी, उसकी मम्मी जॉब करती थी, डैड भी जॉब करते थे, वो ऐसे गलियां च लोगों के घर आते विंडोज च बहुत अच्छा साथी होता रहा मूवीज देखने के लिए। हम दोनों ना फिल्म अच्छी वधिया क्लासिक फिल्म वेखदे ही, तुहाडे वर्गे नहीं है बंदा गप्पी एडा था मेरा तगड़ा, की करा मैं गप्पी बंदे का। गाइस अगर आपके पति गप्पी है तो उसका कोई सोल्यूशन बताना, कोई तबीयत दसना, बन के इनके गले में डाले वो थोड़ी गप्पा थोड़ी जी कट हो जाए। ओके सो पता नहीं लाइनअप कितना होगा टीवी को चेंज करने के लिए, आई विश कि कम हो, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा लिमिटेड है, क्योंकि हमें हिम्मत को ही पिक करना है। अगर हमें ज़्यादा समय लगेगा तो हिम्मत अपने दोस्त के घर जाएगा। सो अभी हमारे पास 2 आवर्स हैं, आई होप कि हो जाएगा इस समय में, पर हमें टीवी को चेक भी करना, तीजी बार भी इतना ही हो रहा थे, और पता नहीं हम टीवी से मिले हैं ना, टीवी नूं ते मैं आपसे के लानी सोए। दिवाली वाले दिन लाओ पटाके बजावांगे। ओके दोस्तों, वी विल गेट बैक टू यू आफ्टर लिटिल मोर टाइम। एक्चुअली वी आर हियर टू रिटर्न एंड गेट द सेम टीवी इट्स अवेलेबल। ओके दोस्तों, तो अपडेट क्या है, रिटर्न हो गया है और उन्होंने पैसे रिफंड कर दिए हैं, कह रहे दोबारा खरीदो। पर यार डिस्प्ले पे वो टीवी है नहीं, पर हमने कॉस्को कॉल किया था तो वो कह रहे कि हमारे पास 21 न्यू टीवीज़ हैं, और यहाँ पे भी नोटिस लगा कि नहीं है। बट हमने कहा कि हमने 2 बार पूछा आपके कॉस्को कस्टमर सर्विस से, उन्होंने कहा कि आपके पास 21 अवेलेबल हैं, सब वो चेक करने के लिए गया है, पर हमारी नज़र पड़ी है जो हम टीवी चाहते हैं वो रब दी तो नीचे पाया है। आई डोंट नो ला के देंगे अब या नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे पड़ा है। उसके जैसा है वो टीवी हमें जो चाहिए, एंड तो यहाँ पे ये सारे टीवी के डिस्प्ले हैं, और वो टीवी पड़ा है वहाँ पे, क्योंकि उनकी डिलीवरी आज ही हुई है, छत के कोल ला के बैठे हैं, ताई देना टीवी टूटते हैं फिर। ओके सो मैं नहीं जानती हूँ कि आप ये टीवी की इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, पर ये टीवी की ही प्रॉब्लम का ट्रबल टीवी की प्रॉब्लम का ब्लॉग है, सो इसमें मैं खूब सारी टीवी की इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। मेरे पति भी मिसिंग है, आई डोंट नो कहाँ चले गए वो। सो या सो फार वी वेटिंग फॉर द गाय जो हमें बताने वाला है कि टीवी मिलेगा या नहीं। और थॉट कि कोई क्रीप मेरा पीछा कर रहा है, एक्चुअल में वो क्रीप पति क्या थे ब्रादा की थे टीवी ले। सो काफ़ी ज़्यादा बंदे आ गए हैं, इस जगह को लॉक कर दिया गया है, एंड टीवी ओ
ਆ ਰਹੇ ਨਾ ਰੋਡ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਐਡੇ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। वाले हैं एंड पति बहुत बुरी तरह एग्जॉस्ट हो चुके हैं। सर अब आपको लगता है कि ये सही ही निकलेगा टीवी? ये टंगा में बड़े टीवी सर। टंगा में क्या पड़ेगा, अभी वापस आना पड़ेगा। चलो ओके दोस्तों, तो टीवी हमने चेंज कर लिया है, हमें लग रहा था ज़्यादा समय लगेगा और हिम्मत को हम पिक नहीं करेंगे, तो मैंने अपनी दोस्तों को आगे से पिक कर लो मेरी जगह पर, अब लगता है कि हम समय पे घर पहुंच जाएंगे और फिंगर्स क्रॉस कि इस बार हमारा टीवी सही निकले दोस्तों। I'm very scared and this is the last item from LG, we're not gonna buy LG anymore। LG से तो ना सुना नहीं लगा ना, और इनका टीवी बनाने बंद कर, आज ना टीवी डिलीवर होने वाला है ये हिम्मत को पता था, तो वो कह के गया था कि बॉक्स ओपन मत करना, मेरे आने पर करना। मैं कहा कि हम तेरे आने तक रेडी करके रखेंगे कि तू टीवी एंजॉय कर पाए। करा कम ऑन, मैं कहा कि हुन ओदे आन दे बॉक्स ही होना है। लगो गेम्स एंड थिंग्स यू आर टफ देयर इनफ आई गेस आई एम टू मच एंड यू स्केयर्ड टू हैव क्रश ऑन अ गर्ल। ऑलराइट दोस्तों, तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं, बहुत जल्दी में थे हम लोग जब घर आए। हिम्मत को पिक करने का समय था, हमने क्विकली टीवी को इंस्टॉल किया क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि इस बार कुछ होगा, स्क्रीन टूटी फूटी ना हो या कुछ ना कुछ तो होगा, पर स्क्रीन ठीक थी, सारा कुछ सही था। तो फिर मैं भाग के हिम्मत को लेके आई, उसके बाद हमने सेट करके सारा कुछ, फिर आके मैंने सेटअप सारा उठाया, क्लीन किया, तो बहुत मैस हो गई थी हर तरफ, वो थर्मोकोल के पिटे पिटे वैक्यूम भी कर दिया। अब भूख लग रही है, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, चाय पी है, 4 बज रहे हैं और हिम्मत भी आ गया, उसको भी कुछ खिलाऊंगी मैं। मैंने आलू के परांठे की पूरी तैयारी करके रखी है, तो वो खाएंगे हम। और मैंने कल ये लंगर जैसी माँ की दाल बनाई है, बिल्कुल लंगर जैसी बनाई है। उसकी सीक्रेट ये है, जब मैं बना रही थी पाठ कर रही थी मैं। दूसरी चीज़ है कि जब मैं ये बना, इसको मैंने खुला बनाया, जैसे वहाँ पे बनाते ना खुला खुला खुला, स्लोप पे कुक किया सारा दिन किया, और उससे पहले मैंने दाल को भिगो के भी रखा 7-8 घंटे। बहुत अच्छा फ्लेवर है इस दाल का, खा के ना लगता पाया कि गुरुद्वारे में बैठे। आलू पराठे बनाने वाले हैं, उसकी सारी तैयारी ऑलरेडी है, तो जल्दी से आलू पराठे बनाते हैं, तो मैं आपको मिलती हूँ बाद में। ओके दोस्तों, I'm too much and you're scared to have a crush on a girl. You like it? Dal badhiya bani na? दोस्तों, सो आज है अगला दिन, सो इस तरह हमने हमारा टीवी को चेंज किया, काफ़ी ज़्यादा हैसल के बाद हमें टीवी मिल गया और फाइनली टीवी अच्छी तरह काम कर रहा है। आई होप आज के इस व्लॉग के साथ बस इतना ही। इस व्लॉग में मुझे लगता है मैंने टीवी बहुत बार बोला होगा, पर ये व्लॉग ही टीवी के बारे में था। दैट्स इट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना ज़रूर से याद रखना एंड बेल को भी क्लिक कर लेना, ताकि नई वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर से छोड़ना और वीडियो को लाइक करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। इस वीडियो के अर्लियर फुटेज थोड़ी शेकी है, वो सम रीजन्स मेरी कैमरा की सेटिंग सही से नहीं थी, पर मैंने सोचा कि यार इट्स ओके, यू गाइस गोना मैनेज राइट। आई एम वेरी सॉरी अगर उसने आपको डिस्टर्ब किया, पर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, वी गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बाय, लव यू। I love you, I love you, I love you, I love you.